प्यारे बच्चों, आज का पेपर इंग्लिश कोड नंबर 302। सबसे पहले हम करेंगे सेट वन। आज ये पहले उस पर पहला पर्सन पूछा है कि शी एड्रेस द डार्लिंग, इसका है उसने ग्रैंड डॉटर को करता है डार्लिंग वर्ड से, वो दादा बुलाता है। तीसरे पर्सन पे हम करेंगे कि इसमें इसके पोइट का नाम पूछा गया है, इसमें आपको लिखा है ठीक ना, NISSIM निसम एजा काइल, EGEKIEL। ठीक है, हम शॉर्ट आंसर ही करेंगे, ज़्यादा बड़े आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है। छठे पे आइए आप, छठा आंसर सेट वन। इसमें से हम आपको एनी टू करने हैं, एनी टू तो हमें इसका जो क्या करना है, पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फाल्स, तीसरे वाला ट्रू, हमने आपको इसको तीनों करा दिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर सात पे। सात का पहले वाला पार्ट का आंसर है बी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर आठ पे। आठ में हमने मैच करना था पहले वाला जो आराधना है, आराधना को जो मैच करेंगे हम, ये बी वाले से मैच करेंगे, वाज लव्ड बाई आल एक्सपेक्ट वाले से। फिर है पेरेंट्स, पेरेंट्स को आप देखेंगे इसको सी से मैच करेंगे। फिर है देयर ग्रैंड मदर, इसको डी से मैच करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में सिर्फ एक ही बच गया, देयर मदर, ये अर्थात पहले पे चला जाएगा ए पे। ये आपका आठवां प्रश्न है, इसको ध्यान से चेक कर लीजिए। नौवां पर्सन, नौवां पर्सन का एक कैट लाइक फेस करके है, इसका आंसर है ए का। ए का मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सेकंड आंसर है। बी पे आ जाइए, बी का है जो इसमें, इसका आंसर फोर है। सेट वन का नौवें का बी। अब आ जाइए सेक्शन बी पे, नॉन प्रिस्क्राइब टेस्ट पे, इसके हम भरते हैं। प्रश्न नंबर 10 है ये, इसमें रामजी लाल वाला है, इसमें आएगा ट्रेवल्ड बाई मुंबई ट्रेन, ट्रेन ट्रेन से उसने किया। अब बी पे आ जाइए, बी पे जो आप भरेंगे इसका सीटी, क्या भरेंगे सीटी, और रामजी रिफ्यूज टू गिव 100 रुपीज, इसको रुपीज पहले लिखेंगे और 100 बाद में लिखेंगे। और डी वाले पार्ट में आएंगे लिम, LIMB। दसवां प्रश्न आपका हो गया। ग्यारहवें प्रश्न पे आ जाइए, ग्यारहवें प्रश्न में ए का जो आंसर करेंगे ये दूसरे वाला करेंगे, एन एडवेंचर सीकिंग पर्सन। ए का आंसर है बी, बी का आंसर है ग्यारहवें, बी का आंसर है फोर। ग्यारहवें के सी का आंसर है दूसरा और डी का आंसर है पहला। प्रश्न 12 पे आ जाइए, इस पे एनी फाइव करने हैं हमें, एनी फाइव। इसमें ट्रू और फाल्स ढूंढना है, ए ये फाल्स, दूसरा हम नहीं कर रहे हैं, सी, सी का जो हम करेंगे ट्रू, डी का देख लीजिए, डी का ट्रू, एफ का यहाँ पे करेंगे ट्रू और जी का फाल्स। पांच करने थे, पांचों हमने बता दिए, ए का फाल्स, सी का ट्रू, डी का ट्रू, एफ का ट्रू और जी का फाल्स। तेरहवें पा जाइए, तेरहवें का आंसर है जो सी, पहले का जो आंसर है ए का आंसर सी, बी का जो आंसर है डी। ये ग्रामर वाला पोर्शन आ गया, सी पार्ट। ठीक है, इस पर करना है आपको पहले का चौदहवें का ए का आंसर है सी, बी का आंसर जो है आप क्या करेंगे, एनी वन करना था इसमें, कोई नहीं, एनी वन करना था, हमने कर दिया पहले वाला।
पंद्रहवें पाजी है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, एनी थ्री करने हैं। तो करते हैं बी वाला, बी वाले में क्या लिखेंगे सम, सी वाले में लिखेंगे टू, डी वाले में लिखेंगे ओ, तीनों आपके हो गए। अब इसमें एनी टू करने हैं 16 में, तो इसमें एनी टू में हम करेंगे इसका बी का हम ए वाला पार्ट ना करके हम बी वाला करेंगे, इसका है कंपाउंड और सी वाला पार्ट है सिंपल। 17वें पर्सन पे आ जाइए, 17वां पर्सन करते हैं, इसमें पहले में ब्लैंक में भरिए हु ए में, इसमें डब्ल्यू एच से भरना आपको, एनी टू करने हैं तो हमने एनी टू कर दिए, सी में आप लिख दीजिए वेयर, आपका आंसर अगर ये आप करके आए हैं तो आपके आंसर ठीक है। 18 पे आ जाइए, 18 का ए वाला पार्ट है बी और बी वाला पार्ट है सी। अब आ जाइए 19 पे, इसको करेक्ट आंसर चूज करना था आपको, 19 का जो आंसर है डी, ए का बता रहा हूँ मैं, ए का डी, और जो बी वाला पार्ट है बी का जो आंसर है ए। आ जाइए 21वें पे है एनी फोर, कोई भी फोर करने हैं तो करते हैं जी फोर, सी वाला करते हैं 21वें का, फाल्स, एफ फाल्स, जी ट्रू, एच ट्रू, ये 21वां पर्सन कंप्लीट। 23वां पर्सन करते हैं, 23वें पे सुटेबल आंसर लिखने हैं आपको, दो करने हैं, ए का डी और बी का सी। 24वें पर्सन पे आ जाइए, 24वें पर्सन का जो है ए का है इसका सी, ये एक ही करना था इसमें, ओल वो अरनी के अपने पहले वाला के। 25वें आ जाइए, इस पर आपको दो करने हैं, ए वाला हम कर रहे हैं, ए का आंसर 25वें, ए का आंसर सी, बी का आंसर डी। करते हैं कोई और छोटा पर्सन हो तो, हाँ जी मिल गए, या जी 37वें पे, गुड। यहाँ पे ग्रामर में फिर सी पार्ट है, देखते हैं रिदम्स, यहाँ पे आपको लिखना है वर लर्नड, एल ई ए आर एन टी, वर लर्नड, ये लर्न है, वर लगा देंगे उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे लर्न, ये एक ही करना था, एक हमने कर दिया। 38वें में देखिए, 38वें में लिखना पड़ेगा आपको, मैंने लिख रखा है, देख लीजिए इसको क्या पढ़ गए ध्यान से, मिलानी मालिनी, मालिनी टोल्ड महेश दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर, यह आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था, फिर से सुन लीजिए, मालिनी सेड टू का जो हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, महेश का महेश हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे, शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर, ये आपका 38वां पर्सन। 39वें पा जाइए, ये कनेक्टर से आपको जोड़ना था, कनेक्टर से आप देखते जोड़ देते हैं, वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज कनेक्टर हो गया है, इट वॉज रेनिंग हैवीली, ये बिकॉज जुड़ गया। अगले वाला जोड़ते हैं सेकंड वाला, इसमें देखें सेकंड वाले कैसे जोड़ेंगे, आई हैव ब्रॉट ए लैपटॉप, विच से जोड़ देंगे इसको, विच हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल फॉर द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली, अर्थात इन दोनों के बीच में आप जो प्रयोग करेंगे इसमें विच का प्रयोग करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया सेट 1, सेट 2 के लिए और सेट सी के लिए नई वीडियो है, दूसरी वीडियो देखिए।